बहुत भरपूर तरीके से ये मैंने फेस किया, बट मैंने उसको कभी ऐसे दिल पे नहीं लिया कभी कभी आगे नहीं होती है, तो अरे बटले आगे बढ़ना <laughs> अब पचास बार सोचना पड़ता है कि यार इसको मैं अगर ऐसे बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा फिल्मिस्तान में ही जब मुझे कास्ट किया जा रहा था तो काफी लोग अगेंस्ट थे इस वजह से कि अरे यार तेरी पहली फिल्म ये कहाँ है बटले को जाड़िए को ले इन दिस बॉडी पार्ट में ही बॉडी टॉक में तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी शायर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि यार इसकी हाइट नहीं है यार इसकी ये नहीं है इससे बोलने में दिक्कत हो रही है यार काश, काश ये गोरा होता अब जब हम जब भी हम लोग कई दिनों बाद मिलते हैं ना तो लोग ऐसे बोलते हैं यार कितना कितनी पतली हो गई है तू यार कितना मोटा हो गया है तू बट दैट इज ऑल्सो तो आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दैट आपसे कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ you face such kind of thing. हाँ हाँ अरे बिल्कुल मैं तो मतलब बहुत भरपूर तरीके से ये मैंने फेस किया बट मैंने उसको कभी ऐसे दिल पे नहीं लिया मतलब मेरी हाइट को लेके मोटापे को लेके लोगों ने कई बार जब हम फिल्मिस्तान में ही जब मुझे कास्ट किया जा रहा था तो काफ़ी लोग अगेंस्ट थे इस वजह से कि अरे यार ये तो मतलब तेरी पहली फिल्म ये कहाँ है बटले को और को ले रहा। लोगों ने ऐसा Uh, मतलब इतने रूडली नहीं बोला था लेकिन उस तरीके से uh, और कई बार uh, रस्ते में कभी कभी uh, लोग ये सब ये सारी चीज़ें तो सुना ही देती है अगर मतलब अगर हम uh, टिकट लेने के लिए ट्रेन uh, की टिकट लेने के लिए अगर लाइन में खड़े हैं और अगर वहाँ पे आगे भ, मतलब लाइन कभी कभी आगे मूव नहीं होती है तो अरे बटले आगे बढ़ना तो <laughs> वो सब तो, तो लेकिन ठीक है इसमें इन सब चीज़ों को Uh, क्या अभी वो करें बट कहाँ पे एक स्टॉप लग जाना चाहिए आपको लगता है असल में यार ये सारी चीज़ें जो है ना एक तो हम जिस मैं जिस जनरेशन से आया हूँ ये सारी चीज़ें ये पॉलिटिकली करेक्ट होना हर चीज़ का ये सब हम लोगों को पता ही नहीं था हम तो बचपन में जब किसी को अगर ऐसा बोल देते थे ये बिना रियलाइज किए कि यार ये गलत है ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से या तो बचपन से लोगों को ये चीज़ें बतानी चाहिए या वो बताना भी चाहिए कि नहीं मुझे कभी कभी मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वो वक्त बहुत अच्छा भी लगता है कि जब हम धड़ल्ले से दोस्तों को कुछ भी बोल देते थे अब पचास बार सोचना पड़ता है कि यार इसको मैं अगर ऐसे बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा इसको वो बॉडी शेविंग बोल सकता है इसको वो आ, कास्ट के बारे में कुछ बोल सकता है कुछ भी नहीं बोल सकते पहले तो हम बिंदास अपने दोस्तों को मतलब जो दिल में आया बोल दिया और आ, उस तरीके से हुआ करता था रिश्ता सबका अब तो मतलब हर चीज़ की कहीं अब तो लोग बैठे हुए हैं कि आई एम ऑफेंडेड लेके कि जैसी बोला मैं बाहर निकालता हूँ <laughs> तो मुझे लगता है कि पता नहीं यार ऐसा होना चाहिए कि वाकई अगर लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो फिर सही में हमको खुद को सुधारना चाहिए या बच्चों को बचपन से वो चीज़ें डालनी चाहिए तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए अगर सबको इतना बुरा लगता है तो बट <laughs> कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम एज ए इंडिविजुअल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज तो क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया हाँ, क्योंकि जैसे हमारी गलती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बुरा है <laughs> कभी जैसे मैं है? एक फिल्म के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा था और उसमें विलेन का पार्ट था जो कि रेपिस्ट होता है तो वो जब मुझसे मिले डायरेक्टर साहब तो उन्होंने पहले देखने से पहले वो काफ़ी सारी बातें हो गई थी कि ये होगा वो होगा इतने डेट्स हैं और वो है लेकिन जब वो मिलने के बाद में बोला अरे नहीं यार ये हाइट में बहुत छोटा है ये रेपिस्ट में अच्छा नहीं लगेगा तो ले, लेकिन रेपिस्ट के लिए मेरी हाइट का क्या कनेक्शन है मुझे समझ नहीं आया तो तो वो तब तो बट तो, कभी आपको ये रियलाइज हुआ जाकर घर पे यार या आपने उस पर काम करने की कोशिश करी मैं क्या काम करूंगा ये तो जितना हाइट पे नहीं ना, <laughs> नहीं नहीं, नहीं सिर्फ हाइट पे नहीं कभी भी अगर कुछ लैंग्वेज पे कलर पर इन चीजों पे नहीं ना कलर पे मैं कुछ कर सकता हूँ लैंग्वेज तो अगर कुछ मेरी वैसे काफ़ी साफ है भाषा हिंदी कम से कम बाकी जहाँ तो जहाँ पे आप सुधार सकते हैं वो तो सुधारनी चाहिए मेरा तो काम ही लैंग्वेज का है तो उसे तो आपको जि आप जो भी बोल रहे हैं अगर वो जितनी साफ हो और जितनी करेक्ट हो वो मतलब आपको सुधारना आपका काम है वो इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब मुझे बहुत बुरा लगता है ये जो आपने चीज़ बोली ना लैंग्वेज को जो अगर आप पे कोई गलत बोल रहा है तो जैसे आजकल सबके नुक्ते गायब हो गए हैं और रेडियो में जब मैं सुनता हूँ बहुत कोई एक्टर का अगर टेलीविजन पे अगर कोई सीरियल में अगर मैंने देख लिया मुझे बहुत अखरता है वो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों कोई और आम उसमें बोल रहा है या जिंदगी में बोल रहा है तो मुझे उससे तकलीफ नहीं होती लेकिन आप अगर एक एक्टर हैं आप रेडियो जॉकी हैं जिनका मतलब काम है मतलब ये तो उन्हें एटलीस्ट भाषा थोड़ी सी तो मतलब समझनी चाहिए सीखनी चाहिए और उसे अगर आपको पता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको सुधारिए जब वो मेरा ख्याल है और वो सब बोले ना तो फूल को फूल बोलते हैं तो और बाद में जब कोई नुक्ता लगाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये नुक्ता क्यों लगा रहे हैं अरे लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर तो होना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बोले कि आप आपके गले में बहुत ही दुख रहा है ये लेकिन जहाँ पर नुक्ता है वहाँ पर तो लगाओ डू यू फील इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए एक्टर को एक बॉडी चाहिए यू नो एक फिजिक होनी चाहिए और एक्ट्रेस को फिट एंड स्लिम होनी चाहिए तभी आप सस्टेन कर सकते हो नहीं अब तो ऐसा रहा ही नहीं है अब तो आ, आप विजय सेतुपति साहब को देखिए <laughs> और नवाजुद्दीन साहब को देखिए मतलब सब हर किस्म के आ, की बॉडीज आजकल कल क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट की जा रही है बट ये स्टार्टिंग में था स्टार्टिंग की आप तो हम लेकिन हम स्टार्टिंग में नहीं है ना हम तो आज प्रेजेंट में जी रहे हैं तो आज के हिसाब से तो सब कुछ बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से ये एज एन एक्टर एक्टर्स के लिए ये बहुत बढ़िया दौर है जब लोग अनकन्वेंशनल फेसेस को एज ए ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर रही है मेकरज uh, उन्हें मौका दे रहे हैं तो मेरे ख्याल मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा टाइम है हम एक्टर्स के लिए एक्टर्स के लिए राइटर्स के लिए डायरेक्टर्स के लिए जो अलग अलग कहानियाँ कहना चाहते हैं वो सारी कही जा रही हैं अभी तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है आई हैव सीन मेनी ऑफ एक्टर्स एक्टर्स जिन्होंने अपनी जर्नी बताई है to fit, fit to to think, fit, हाँ। है फैट 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 टू 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 फिट 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 तो ठीक बट कई सारे होंगे हाँ आई एम श्योर क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग गोल है सबको किसी को फिट ही होके करना है काम तो वो उनकी मतलब चॉइस है आ, लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि आज उनको काम नहीं मिल रहा है जिसके पास सिक्स पैक एब्स नहीं है तो सभी काम कर रहे हैं मैं भी काम कर रहा हूँ मेरी तो ना हाइट है ना बॉडी है ना कुछ है <laughs> ये जो शेमर्स होते हैं ना जो हर किस्म की कोई बॉडी शेमिंग करता है कोई लैंग्वेज शेमिंग करता है कोई आ, कुछ और शेमिंग करता है यार पहले जब आप ऐसे करते हो ना तो ये ये जो उंगलियाँ आपके ऊपर भी जा रही हैं तो <laughs> तो एक उंगली सामने है तो चार उंगली तीन उंगली जो है आपकी तरफ है तो ज़रा सोच समझ के करो शेमिंग करने से आपने तो बोल दिया जो आपको बोलना था लेकिन उससे दूसरे वाले पर क्या बीतती है ज़रा एक सेकेंड के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप फिर दोबारा वो बोलने के लिए आप खुद कतराएंगे तो बंद कर दो यार थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस थैंक यू सो मच बॉलीवुड नाउ प्रेजेंट्स बॉडी टॉक कीप वॉचिंग और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए नीचे बेल आइकन जो है उसको दबाइए <laughs> और यस सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ